हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही झटपट बनने वाली और टेस्टी बनने वाली अचारी आलू की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही चटपटे बनकर ये तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मसाले निकाले हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच सौंफ निकाली है, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा निकाला है और एक चम्मच साबुत धनिया निकाला है। इन सारे मसालों को कढ़ाई के अंदर डालेंगे। कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। हम इनको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए, जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। थोड़ी देर के लिए हम इनको फ्राई करेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो इनको हम बाहर निकालेंगे। इनको हम ग्राइंड करेंगे तो इनको हम जार में डाल लेते हैं और इनका एक पाउडर बना लेंगे हम पीस के। इस तरीके से हमने इसका दरदरा पाउडर बना लिया है। इस मसाले को साइड रख देते हैं, कढ़ाई रख लेते हैं चूल्हे के ऊपर। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तो इसके अंदर ऑयल लेंगे। हमने इसमें एक कप के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। ऑयल के अंदर हम थोड़ी सी मेथी दाने डालेंगे, उसको चटकने देंगे और इसके अंदर हम थोड़े से राई के दाने डालेंगे, इसको भी चटकने देंगे और एक चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरे को भी चटकने देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया था। इसको इसके अंदर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। हमें सिर्फ प्याज का कच्चापन निकालना है, इसको लाल नहीं करना है, तो इसको हम 2 से 3 मिनट ही फ्राई करेंगे। प्याज हमारी भुन गई है, 3 मिनट हो गए हैं हमारे प्याज को भूनते भूनते। तो हम इसमें आधा चम्मच के करीब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको भी भून लेंगे 1 मिनट के लिए। जो मसाला हमने तैयार करा था पीस के जार के अंदर, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको डालकर भी इसके साथ ही 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट हमारा हो गया है, सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। तो हमने आधा किलो आलू लिए थे और उसको कतली के शेप में हमने काट लिया था। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं काटना है और ना ज़्यादा मोटा। आलूओं को डालकर भी हमने मसाले के साथ 3 से 4 मिनट इनको फ्राई कर लिया है। तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको हमने बारीक काट लिया था, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद हम इनको कवर कर देंगे ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे हम इनको। लो फ्लेम पर पकते पकते 3 से 4 मिनट हमारे हो गए हैं, तो हमने कढ़ाई को खोल दिया है। इसको अच्छे से चलाएंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। आलू के अंदर हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा, इसमें तीखापन नहीं होता है, तो इसलिए हमने मिर्चें डाली थी और ये थोड़ी सी हमने कलर के लिए डाली है। इसको डालकर भी अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। अच्छे से आलू को हमने भून लिया है तो इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। हम इसमें 1 चम्मच भरकर दही डाल रहे हैं। दही डालकर भी हम अच्छे से भून लेंगे आलूओं को। दही डालकर भी अच्छे से आलू भून गए हैं तो हम इसमें पानी डालेंगे आलू को गलाने के लिए। मैंने यहाँ पर आधा गिलास के करीब पानी डाला है ताकि अच्छे से आलू गल जाएं। और इसको 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर रखना है हमें इसको और हमने इसे कवर कर दिया है। 6 से 7 मिनट हमारे हो गए हैं आलूओं को पकते पकते। तो देख लेते हैं आलू हमारे गले हैं या नहीं। आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं तो इसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्चों को हमने बीच से काट दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ।
और इन सारी चीज़ों को डालकर हम एक मिनट के लिए और पका लेंगे। और आपको जैसी इसकी ग्रेवी रखनी है आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं इनको भुनावा ही रखूँगी। तो आलू बनकर हमारे तैयार हैं, इनको हम सर्व कर लेते हैं। आलूओं को हमने प्लेट में सर्व कर लिया है, बहुत ही टेस्टी बनकर ये आलू तैयार हुए हैं और देखने में भी आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप आलूओं को ज़रूर ट्राई करें। अचारी आलू को आप रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।